ऑल वेल ऐसे हीरो लग रहा है यार, इन सबका प्यार है। क्या बात है, गुड ब्रदर, आर यू रेडी? सवाल जवाब। आई एम रेडी एंड रेडी एंड रेडी। कैसा है सब? ये फुल पावर ठीक है ना? थोड़ा बड़ा कैसे, ये बटन पहनना चाहिए कि नहीं भाई? अपने ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या टेंशन है। तू देख कभी बिग बॉस में तो उतारने वाले आ, तू थोड़ा छोड़ देते हैं बाकी पहन नहीं भाई। अच्छा था क्या स्टिंट? स्टिंट वाज फैबुलस। खुश है? मैं फुल पावर खुश हूँ। आई थिंक आई छोटा था बट धमाका अच्छा था, मजा था। उसने भी सुना है, उसने भी एक आइडिया, बहुत ही मज़ा आया। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। भाइयों से पूछना, भाइयों कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस बिग बॉस में? सच्चे दिल से बोलना। बहुत अच्छा था, लेकिन अभी ऊपर जाना है, इंटरव्यू करना है। बट थैंक्स सो मच यार विकास, सवाल जवाब करेंगे बट वेल डन। लोग कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्रेंस बोला जाता है ये, आपने सुना कि नहीं? किसको मिस कर रहे हो घर से भाई? बैक आई मिस कर रहा हूं, जिनको मिस कर रहा था उनके लिए वापस आ गया। फॉलो करो मैं किसान, फॉलो करो यार। मैं बस वो जो पूरा माहौल है ना, फॉलो करो, चाहे जितना भी दुर्गेश बोल लड़ाइयां हो, जितने भी इशू, बट एक एनर्जी अलग है, वो एक्सपीरियंस ना कि तू मेरे से बिना उसके लिए आपको बिग बॉस के घर में ही जाना पड़े। आई मिस द एंथम, आई मिस द मॉर्निंग टी, कभी जिनको मिस कर रहा हूँ मैं, शिव की वजह से आउट हो यार। जो सही में शिवा है ना मेरे बोलना, उनका सिर मेरे पे हमेशा है, आज मेरे सिर पे हमेशा है। और कपड़ा भी पहन लिया, कपड़ा पहन लिया शिव ने। देखिए ये बातें जो है, ए, वो है। करने दो ये सब इनके लिए छोड़ देते हैं जो बात है, पर थोड़ा कंफ्यूजन है, मिस्टेक है, मिस्टेक है। आई एम श्योर आप सबके सामने ये भी इसकी रियलिटी बाहर आ जाएगी। आ जाओ रे, अरे आ जा गुंजन, आ जा यार, ऐसे क्या इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है भाई को। हाँ ये मोहब्बत के लिए घर से बाहर आए हैं भाई, ये मोहब्बत के लिए। और मैंने सुना कि रोज अपने बीवी के पैर छूते हैं, जिसने कहा कैसे छूते हैं, और देवर भी छूता है। बीवी हो ऐसी तो अपने आप ताकत आती है ना भाई। छोटा सा फाइट कर लेते हैं, बोला हूँ बेस्ट ऑयल कार्ड के रूप में आप आए, काफी कुछ थैंक यू में भी आप हाल ही में गए थे जी, काफी कुछ धमाके किया वहाँ पे, किस तरह से जर्नी के बारे में अगर कुछ बताना चाहो? यार मेरा सिर्फ एक ही इंटेंट था कि पहले तो सबसे इज्जत प्यार से किया जाए, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा कलेश और लड़ाइयाँ करता है, तो जो मैंने शुरुआत में बोला भी, बट क्योंकि वो एक ऑप्शन है जो आपके पास कुछ जब नहीं बचता है तो वही आप एक्सरसाइज करते हैं, बट हर किसी से मैं यही कहता था। बट वहाँ की एनर्जी ऐसी रहती है, जब आप क्लोज रहते हैं और सब दूसरा सिर्फ चीख के लड़ाई करके बात करता है और अपनी हद को पार करता है, तो फिर कई बार ऐसा होना पड़ता है। बट उन सब चीज़ों में, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, इज्जत हो, परेशानी हो, किसी से मन मुटाव है, वो सब सच्चाई से करने की कोशिश की है मैंने, और वही किया। और अपना सीना ठोक कर छाती चौड़ी करके स्माइल करते हुए गया था, और वैसे ही बाहर आया हूँ, यही एक नियत में था, और इसीलिए बाहर आया हूँ। तो आप सबका प्यार इतना मिल रहा है, आप सब इतने ऐसे हाथ खोल के मुझे गले लगा रहे हैं और खुशियाँ दे रहे हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़ के एम्ब्रेस करता हूँ, और ऐसे हाथ खोल के एम्ब्रेस करता हूँ, और हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी, स्टेंट छोड़ा था बट मज़ेदार था। घर के अंदर मास्टरमाइंड कौन है आप में से कोई भी इसका जवाब जानता है? फिर आपको खुद को जवाब मालूम आ रहा है, फिर भी मुझसे बोल रहे हैं। हाँ जी, आपको ये नहीं लगा कि जितना भी समय आपने बिताया उस घर में जी, काफी कम समय था, और लोगों ने कॉपरेट नहीं किया? अगर कोई कुछ थोड़ा सा कॉपरेट करते तो यू वुड हैव गॉन थोड़े से टॉप सिक्स पे, तो आपको जी 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 आपको ऐसा नहीं लगा? यार वो गेम के फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, आपको मालूम ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें नहीं हैं, और अब उससे सिनेरियो में क्या है कि आपके दिमाग जहन में और हाथ में जो है वो ये है, जो मुझे लगा कि सच्चाई से समझ से खेलना, और कॉल जो सही लगे उसको सही कहो, जो गलत लगे उसको गलत कहो, और ठोक कर इज्जत से प्यार से कहो, और वही मैंने किया। बिग बॉस में आपने शिव ठाकरे को एक नाम दिया है, क्या दिया है?
नाम हमने प्रोमो में देखा। बताइए क्या नाम दिया, बताइए तो। आपने ही दिया है सर। अरे पर बताइए तो क्या नाम दिया है ना? तो दिया था, अगर आप शिव ठाकरे की गेम के बारे में अगर कुछ बताना चाहें। देखिए बहुत ही एक ये ना गेम है, टू बी ऑनेस्ट, हम शायद बाहर इसको पर्सनली ले लेते हैं, बट हम घर में रहकर भी एक दूसरे को बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं हो तो कोई इसको दिल पे नहीं लेता है। यू नो आप एक दूसरे के साथ देखो, आप नॉमिनेट कर रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, बट उसके बाद फिर बैठ के साथ में ही खाना खाते थे सारे। बट 31st की मैं बात करूँ, जब पार्टी थी जी, घर पे जी, जब शालिन और टीना फिर से नज़दीक आए तो जी फिर वापस बिग बॉस ने भी पूछा कि क्या लगता है लोगों की राय ली, घर वालों की राय ली जी, उसमें आपकी क्या राय है, उसमें अगर आप कुछ बताना। अब मेरी राय ये है उसमें सिर्फ कि यार उनके रिश्ते में बहुत कन्फ्यूजन है, मेरे पास भी, मैंने भी बहुत कोशिश की उनका वो इज़्ज़त प्यार वो बनी रहे और बीच में जो कन्फ्यूजन है वो हटी रहे, बट वो कन्फ्यूजन बरकरार रही और आने के बाद अगर वो दिखा मुझे कि साथ में हुए हैं तो वो क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अलग तरह के इंसान हैं एक दूसरे के लिए, और वो घर से बाहर निकलेंगे तो समझ आएगा कि वो कितनों एक दूसरे के लिए कितने अच्छे हैं या नहीं हैं, क्योंकि जब बहुत सारी बातें ऐसी हैं चाहते हैं वो करना जो कैमरा के सामने हुआ नहीं रह कर पाते हैं। और ये बात आई थिंक शालिन ने बोली भी थी कि उन्होंने एक डेट रखी है फिनाले के बाद, जब वो मिलेंगे बाहर और फिर से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसा होता है, तो मैं भी वो देखना चाहता हूँ कि फिर वो कैसे अनवील होता है और कैसा रिश्ता बनता है। जी वो कनन ना, उसकी आवाज़ देख कर सुनते ही मुझे मज़ा आ जाता है, मुझे लगता है क्या मज़ेदार आवाज़ है, फुल पावर बंदा है और फुल ऐसे ही फुल एनर्जी में चार्ज रहता है जैसे मैं रहता हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं जा रहा हूँ कनन के पास, सिद्धार्थ के पास, उससे मिलने, हग करने और उसको इंटरव्यू देने, और आप देखते रहिए आर इंटरव्यू में। सिद्धार्थ भाई एक सवाल जब किचन फाइट में अर्चना ने जी आपको कहा था कि आप बाप नहीं बन सकते जी, उसके बारे में आपका क्या कहना? यार बहुत ही शर्मनाक है किसी के लिए कहना, और आप बाहर किसी को ऐसे कह देते हैं तो वो फिर तब भी उस बात को नहीं ले पाता है, और अगर ले भी हो तो उसके पास ऑप्शन होती है कि वो छोड़कर चला जाए इस बात को और आगे बढ़ जाए, बट जब आप एक आइसोलेशन में एक घर के अंदर बंद रहते हैं और आपने जिसके साथ कोशिश की हो कि ये सोचा हो कि यार उनके अंदर थोड़ी इंसानियत और सच्चाई है डिस्पाइट कि वो सबसे लड़ते रहते हैं या आर्ग्यूमेंट करती रहती हैं, तो मैंने वो उस एक छोटे से मोमेंट में उनके साथ ये सच्चाई शेयर कर ली थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसके बावजूद भी अगर वो जब किसी से मनमुटाव हो तो वो उस बात को गंदगी में डुबो कर आपको फिर बदुआ देती हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये इंसान निहायत ही घटिया और छोटी सोच रखती हैं, और इस बात पे मैं ऐसे इंसान के साथ एक भी मिनट नहीं बिताना चाहता हूँ, तो जबकि उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं विश करूँगी, तो मुझे लगा कि यार आप इतना ज़्यादा गंदा कहती हैं, अगर आप उसके बाद किसी को सॉरी भी कहना चाहें ना तो उस पर आप पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि आप फिर मुड़ के दोबारा से कह देंगे तो आपके सॉरी का कुछ मायने ही नहीं रहते हैं, तो ये है। थैंक यू विकास जी, इसके अलावा एक आखिरी नए साल की शुरुआत होने वाली है और अंत में एक बड़ी घटना होगी, तुनिशा शर्मा जी जी काफ़ी झटका लगा पूरी इंडस्ट्री को, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं जैसे ही मेरा एविक्शन हुआ था और मैं यूज्ड टू हो रहा था चीज़ों के और इंसानों के और एनवायरनमेंट का, तो वो पहला इंटरव्यू, पहली न्यूज़ थी जो मैंने देखी है टीवी पे, और बहुत ही शॉकिंग था, मुझे लगता था कि वो दिखने में बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और अच्छा काम करती थी, और मुझे लगा यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ, अब ये किसी को नहीं पता है कि क्या रीजंस रहे हैं उनके या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, बट आई एम वेरी शॉक्ड कि यार, शॉक के साथ ना बुरा लगता है कि यार आपको क्या कहें, मतलब आप समझ ही नहीं आता कि यार आप क्या कह सकते हैं किसी के लिए ऐसे, बट सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को स्पेशली यूथ को कि प्लीज़ एक ही ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं, बहुतों की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो इससे भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ा नज़रिया बड़ा रखिए और हिम्मत रखिए अपनी प्रॉब्लम से डील करने की, और अपने माँ बाप और अपनी फैमिली को के साथ एकजुट होकर रहिए, क्योंकि जब आप वो रहेंगे जो पेड़ अपनी नींव के साथ हमेशा स्ट्रांग रहता है वो नहीं गिरता है, तो प्लीज़ भरोसा कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप नहीं समझ रहे हैं आपको
या उनको आप नहीं समझाना चाह रहे हैं या किसी भी और रीज़न से उनको दुख होगा या वो भी, एट द एंड ऑफ इट वो माँ बाप है और अपने दोस्तों को पकड़िए जिनके ऊपर आपको विश्वास है, बट वो पकड़ के रखिए रिश्तों को और आप कोई भी परेशानी हो उससे बाहर निकल सकते हैं। और प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक लाइफ है, साथ में रहिए, इज्जत प्यार बना के रखिए। ये मैं आप सबसे भी चाहता हूँ क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है अराउंड कि लोगों को लगता है कि वो अकेले हो गए हैं और क्या मायने हैं और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, बट फिर भी ज़िंदगी खूबसूरत है। हम ढूंढते हैं तरीके और रीज़न्स कि उनको वो आउटलुक दे पाए ज़िंदगी की तरफ, और आप भी दीजिए और हिम्मत मत हारिए। प्लीज़ टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।